दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने YouTube चैनल पे जो वोटिंग वाला पोस्ट होता है, जो पोलिंग पोस्ट होता है, वो कैसे करें, तो आज मैं आपके इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल पे जो वोटिंग वाला पोस्ट होता है, जैसे आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आपने अरेंज किया और उसके 2-3-4 ऑप्शन डाल दिए और उस हिसाब से किसी ने उस पर वोट किया तो उसका परसेंटेज शो करता है, वो वाली पोस्ट कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सिंपल से आपको अपनी यूट्यूब को ओपन कर लेनी है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको सिंपल से अपने चैनल को लॉगिन कर लेनी। चलिए, मैं यहाँ से अपने टेक्निकल सूरज चैनल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सिंपल जहाँ से आप वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ से सिंपल से आपको टाइप कर देना प्लस वाले साइन पे, और नीचे में आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पोस्ट, तो सिंपल से आपको उस पर टैप कर देनी है। चलिए, तो देर किस बात की, मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे अपने तो पोस्ट पेज पे आ गया। भैया, पता नहीं चलता है कि अब कौन सी पोस्ट करें। अगर आपने चाहते हैं कि इमेज पोस्ट, इमेज को पोस्ट करके क्वेश्चन अरेंज करें, वो भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन टाइप करके पोलिंग ऑप्शन दे दे, 2-4 ऑप्शन दे दे, वो भी हो जाएगा। तो चलिए कैसे होगा बताते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ से अपने क्वेश्चन अराइज कर लेनी है, क्वेश्चन अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने फैमिली से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछूँ। हाँ, तो इस बार IPL कौन जीतेगी भाई, इस बार IPL की फाइनल कौन जीतेगी। चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ। इस बार IPL की ट्रॉफी कौन टीम ले जाएगी। चलिए, मैंने यहाँ से तो क्वेश्चन टाइप कर लिया, यहाँ से एक इमोजी लगा देता हूँ। इमोजी लगाने के बाद अब चलिए यहाँ से आप एक ऑप्शन दे दीजिए, एक नहीं यार 4-4 ऑप्शन देने होंगे आपको। तो चलिए मैं यहाँ से ऑप्शन देता हूँ, यहाँ से पोलिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है नीचे आप। सॉरी, एक बार मैं आपको बैक कर देता हूँ, यहाँ से बैक। हाँ, अब यहाँ से देखिए आप नीचे में देखेंगे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक जो ओवरलाइनिंग जो ग्राफ है वो शो कर रहा होगा, और एक इमेज ऐड करने के लिए ऑप्शन है। तो सिंपल से आपको यहाँ से ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो सिंपल से ऐड ऑप्शन पे टाइप कर देना। ऐड ऑप्शन पे टाइप करने के, चलिए मैं पहले मुंबई इंडियंस को दे देता हूँ, कॉमा डॉट, फिर यहाँ से दे देता हूँ MI मुंबई इंडियंस, और सेकंड ऑप्शन दे देता हूँ दिल्ली कैपिटल, और दो ही ऑप्शन आ रहा है भैया, तो चौथा और तीसरा कहाँ गया ऑप्शन। तो सिंपल से आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐड अनदर ऑप्शन का भी ऑप्शन आपके सामने है, तो सिंपल से ऐड अनदर ऑप्शन आपको टाइप कर देना है। तो चलिए फिर से आप तीसरा दे दीजिए किसी को ऑप्शन, चलिए 3 डॉट, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ RCB। चलिए, मैंने RCB दे दिया। आप एक और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो फिर से एक बार टाइप कीजिए ना ऐड अनदर ऑप्शन। ऐसे आप जितना ऑप्शन टाइप करना चाहें आप कर सकते हैं, 6 ऑप्शन तक 4 ऑप्शन 7, आप जितना कर सकते हैं आप कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अब किसको दूँ, चलिए मैं यहाँ पे आदर्श दे देता हूँ, आदर्श। ठीक, यहाँ से चलिए मैं आदर्श दे दिया। अब सिंपल से चलिए ना आप इसको पोस्ट कर लीजिए। तो सिंपल से आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो सिंपल से आपको यहाँ पे पोस्ट कर देनी है, तो सिंपल से जो पोस्ट होगा आपके यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूँ कि उस प्रकार की व्यू में आया नहीं, उस प्रकार के इंटरफेस में आया नहीं, आया या है या नहीं। तो चलिए सिंपल से आप यहाँ से व्यू पे टैप कर देते हैं। व्यू पे टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे सिंपल से आ गया। अब कोई आदमी इस पे पोस्ट करेगा, यहाँ पे वोट करेगा, तो सिंपल से उसकी यहाँ पे परसेंटेज शो करेगी। तो चलिए मैं इस पे टैप करके बताता हूँ, अभी किसी ने वोट नहीं किया क्योंकि मैंने 18 सेकंड पहले ही इस पे पोस्ट किया हूँ। तो सिंपल से यहाँ चलिए मैं अपने एक पोस्ट को लाइक कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐसे इस तरह से आप अपने चैनल पे जो वोटिंग वाली, पोलिंग वाली जो पोस्ट होती है उसको कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।